वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ ब्राइडल फेशियल किट, बेस्ट फेशियल फॉर ब्राइडल। गाइज अब ब्राइडल सीजन स्टार्ट हो चुका है तो मैं भी आपसे ना अब ब्राइडल की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ O3 प्लस की फेशियल, जो कि प्रॉपर है ब्राइडल के लिए। ये एक प्रोफेशनल फेशियल है एंड बहुत अमेजिंग इसका रिजल्ट आता है। सो, मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखा रही हूँ एंड मैं आपको सारा का नेम भी बता दूँगी कि इसमें कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से नंबर पे कौन सा जाएगा। सो, इसमें आपको टोटल मिलते हैं 10 स्टेप। सो गाइस, इस फेशियल को करने में भी ना कम से कम आपको 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 10 स्टेप है एंड इस फेशियल किट का रिजल्ट कम से कम 2 मंथ या 3 मंथ तक तो ज़रूर रहता है। एंड ये एक प्रोफेशनल फेशियल है O3 प्लस की, तो ये अमेजिंग रिजल्ट देता है एंड ये सिंगल यूज़ है, आप इसका ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हो। सो, इस तरह की पहले एक पाउच मिलती है आप लोगों को, जिसमें आपको 6 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो इसको आप कट करोगे ना, आपको छोटा छोटा दिख जाएगा, एकदम सिंगल यूज़ है, फेस एंड नेक आएगा, बैक भी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से एकदम क्यूट पैकेजिंग में ये आती है, एकदम सिंगल यूज़ होगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेप, इसमें आपको क्लेंजिंग फोम मिलता है, नेक्स्ट आपको D10 पैक मिलता है, नेक्स्ट आपको सीरम मिलता है, नेक्स्ट आपको मसाज क्रीम, नेक्स्ट आपको वाइटनिंग सीरम, आपको पावर मास्क मिलता है 2030 जिसका नेम है, मैं आगे बताऊंगी। इस तरह की टोनिक मिलती है, अर्बिटिन सीरम मिलती है, इस तरह की, आई थिंक मैं नेम सही ले रही हूँ, अर्बिटिन सीरम, यस O3 प्लस की। नेक्स्ट आपको वाइटनिंग सीरम मिलता है, नेक्स्ट SPF मिलता है। सो गाइस, टोटल 10 स्टेप होते हैं, ऑल राइट। एंड इस तरह से फेशियल पावर मास्क लिखा हुआ है आपको 2030, अर्बिटिन पावर मास्क, सबका अलग अलग यूज़ है। टोटल 10 स्टेप है, मैंने आपको एक साथ रख के दिखा दिया है ताकि आपको अच्छा लगे, ऑर्गेनाइज लगे। अब बात करते हैं कि मैम हमें पता चल जाएगा ना कि कौन सा स्टेप कब करना है, तो इसमें लिखा हुआ भी होता है, तो डरने की बात नहीं है। सबसे पहले आपको लेना है वाइटनिंग क्लेंजिंग फोम, तो इसको आपको इस तरह से जनरल स्ट्रोक की मदद से अप्लाई करना है। आप क्लाइंट को टॉवल जरूर दे दोगे अच्छे से एंड गाउन दे दोगे, नेक्स्ट आप इस तरह से बैंड लगा दोगे फेशियल का, नेक्स्ट आप फेशियल स्टार्ट करोगे। फेशियल जब भी आप करते हो एक बात का ध्यान रखोगे, आप जो भी वाटर यूज़ करते हो मिनरल वाटर होना चाहिए या रोज़ वाटर होना चाहिए। एंड आप जब भी फेशियल करते हो आप पाल्म का इस्तेमाल नहीं करोगे, ओनली फिंगर का इस्तेमाल करोगे ओनली, ठीक है। बहुत ही अच्छी एंड ध्यान से देखिए, यहाँ पे हो रहा है क्लिनजिंग, इसमें थोड़ा सा झाग निकलता है इसीलिए इसका नेम है क्लिनजिंग फोम, वाइटनिंग क्लिनजिंग फोम, आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपको लिप के पास स्टार्ट करना है, सर्कुलर मोशन में फेस पे जाना है, देन आपको नोज़ पे करना है, देन आपको फोरहेड पे जाना है। आपको आइस पे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से करना है, अदरवाइज़ ना जितना भी क्रीम आपने अप्लाई किया ना आइस के अंदर चला जाएगा, तो इरीटेशन क्लाइंट को लगेगा। एंड नेक को भी साथ ही साथ इंक्लूड कीजिए, क्योंकि नेक एंड फेस एक जैसा नज़र आना चाहिए। एंड एक बात का हमेशा ध्यान रखोगे आप, नोज़ के अंदर ज़्यादा आपको क्रीम नहीं डालना है। नेक्स्ट आपको टिश्यू की मदद से क्लीन कर देना है, 2 से 3 मिनट ही आपको क्लिनजिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ D10 पैक O3 प्लस की, इसको अप्लाई करना है आपको कैसे, बाउल में निकाल लेना है, उसमें हल्का टोनर ऐड कर देना है, इसको कम से कम 10 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, कुछ भी या छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको 10 मिनट्स लगा दीजिए। D10 क्या काम करता है, जैसे ब्लीच काम करता है ना उसी तरह का ये काम करता है, जैसे ब्लीच हमारे हेयर को ब्राउन करता है ना, तो ये ब्राउन तो नहीं करेगा, शेमी ब्राउन करता है ये, फिर आप बोल सकते हो सिर्फ टैन को रिमूव करता है, इसमें आपको हेयर ब्राउन नज़र नहीं आएंगे, बट हाँ वैसा ही रिजल्ट आपको देगा, आपकी स्किन लाइटनिंग लाइट नज़र आएगी, ब्राइट नज़र आएगी, जैसे ब्लीच में नज़र आती है। तो D10 बहुत अच्छा होता है सेंसिटिव स्किन के लिए, जिनको ब्लीच सूट नहीं करता उनके लिए D10 बेस्ट है। 10 मिनट्स अप्लाई करने के बाद उसको थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दिया, नेक्स्ट आपको हल्का मसाज कर देना है 10 मिनट्स के बाद, कम से कम 2 मिनट के लिए। नेक्स्ट आपको इसको सिंपली टिश्यू की मदद से क्लीन कर लेना है। मैं अभी आपको बेसिक से स्टेप्स दिखा रही हूँ, मैं मसाज जब करूँगी ना तब आपको एकदम हार्ड वाले स्टेप बताऊँगी, जो कि एकदम इम्पॉर्टेंट होते हैं, एंड वैसे भी इसमें आपको 10 स्टेप मिलते हैं। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है O3 प्लस की टोनिक, सो ये थोड़ा सा लिक्विडी एंड रनी होता है, तो इस तरह से आपको लगा लेना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अच्छे से मसाज करना है। गाइस, मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप मसाज सही से नहीं करोगे ना आपका रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा फेशियल का। जब भी आप ब्राइडल को फेशियल देते हो हमेशा ध्यान रखो उनको रिलैक्स लगना चाहिए, सारे स्टेप्स प्रॉपर होने चाहिए, रिलैक्सेशन वाले होने चाहिए।
तो इस तरह से एकदम नीचे से स्किन को आपको लिफ्ट करना है एंड सेंटर ऑफ द फोरहेड पे प्रेस करना है। आईज पे सर्कुलर मोशन में करना है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी में डायरेक्शन होती है। पिंचिंग करनी है बीच बीच में, टाइपिंग करनी है आप लोगों को। टोनिक थोड़ा सा लिक्विड ही होता है, रनी होता है, तो हम इसमें ना ज़्यादा हार्ड मसाज नहीं देंगे। इसके बाद हम एक स्टेप करने वाले हैं मसाज क्रीम, जो कि एकदम मेन स्टेप होता है। इसे तो हमें तब तक करना है जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए। 5 मिनट्स के अंदर भी ऑब्जॉर्व हो सकता है, 7 मिनट के अंदर भी ऑब्जॉर्व हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्लाइंट के स्किन पे। ड्राई स्किन है तो तुरंत ऑब्जॉर्व हो जाएगा। सो बस आपको अच्छे से इस तरह से मसाज करना है। इसे हम सीजरिंग बोलते हैं। एकदम ध्यान से देखिए, इस तरह से फोरहेड पे आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है। एकदम अच्छे से क्रीम को ऑब्जॉर्व करवाना है। बिल्कुल क्रीम रहना नहीं चाहिए, सीरम रहना नहीं चाहिए, टोनिक रहना नहीं चाहिए। अच्छे से नेक को प्रेशर देना। अब आते हैं मेन स्टेप, जो है मसाज क्रीम। इसमें मैं आपको सारे स्टेप के नाम बता देती हूँ। इसमें जो मैं स्टेप करने वाली हूँ वही रिपीट होते हैं टोनिक में, वाइटनिंग सीरम में, जो भी आप देखते हो स्टेप। सबसे पहले आपको जेन स्ट्रोक की मदद से इस तरह से क्रीम को स्प्रेड करना है। नेक पे इस तरह से प्रेशर देना है सर्कुलर मोशन में। आपको जॉ लाइन पे प्रेशर देते हुए मसाज करना है। क्रीस क्रॉस आपको करना है इस तरह से, इसे हम क्रीस क्रॉस बोलते हैं। अगर आप क्रीस क्रॉस करें तो इंटायर फेस पे आपको वो वाली स्टेप को रिपीट करना है। आप क्रीस क्रॉस 2 या 3 फिंगर की मदद से कर सकते हो। आइस पे आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, बहुत ही हल्के हाथों से करना है। इस तरह से एम वाले स्टेप को करने हैं, नोज के पास एंड फोरहेड के पास एस और 8 बनाना है आप लोगों को। रिंग फिंगर से सेंटर ऑफ दी आईलिड पे आपको मसाज करनी है। आईब्रोज पे पिंचिंग करना है आप लोगों को, ताकि आपके क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। बहुत ही हल्का हाथ रखिएगा। लिप के कॉर्नर के पास क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज करना है, ताकि जो भी पिगमेंटेशन हमें लिप के अराउंड रहती है वो हाइड हो जाए। नेक्स्ट आपको थंब फिंगर की मदद से इस तरह से हाफ मून बनाना है, इसे हम हाफ मून बोलते हैं। नेक्स्ट आपको इस तरह से क्रिस क्रॉस करना है लिप के पास, इससे यहाँ की हाइपर पिगमेंटेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपको सीजरिंग करना है इस तरह से, 2 फिंगर में 1 फिंगर को डाल के। सीजरिंग आप पूरे फेस पे भी कर सकते हो, नोज पे भी कर सकते हो, आइज पे भी कर सकते हो। एक ही स्टेप को आपको रिपीट करना है, जब तक वो पूरा स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता आप नए स्टेप को इंक्लूड नहीं करोगे। नोज पे इस तरह से मसाज करना, इससे थोड़े से ओपन पोर्स खुलते हैं। इस तरह से प्रेशर देना है आप लोगों को, बहुत ही हल्की हाथों से आपको मसाज देनी है। ईयर के पीछे प्रेशर देना है इस तरह से, ताकि क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। इस फेशियल में आपको वाटर टोनर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ऑलरेडी आप देख सकते हो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है। सो डू नॉट यूज़ वाटर और रोज़ वाटर, कुछ भी आपको यूज़ नहीं करना है, ओनली आप बस मसाज करोगी। अपलिफ्टिंग करनी है आप लोगों को इस तरह से, नीचे से स्किन को लिफ्ट करना है, सेंटर ऑफ द फोरहेड पे प्रेस करना है, सेम स्टेप्स को रिपीट करना है। टैपिंग एंड पिंचिंग करना है इस तरह से, ताकि क्लाइंट को रिलैक्स फील हो। इस तरह से वाइब्रेशन देना है हल्का आप लोगों को। नकलिंग करना है, इसे हम नकलिंग बोलते हैं, जो कि हम फिंगर को इस तरह से मोड़ के करते हैं। इस तरह से आपको नेक पे प्रेशर देना है। प्रेशर पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट इस तरह से अपलिफ्टिंग करना है। अपलिफ्टिंग वाले स्टेप्स आपको ज़्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि मैं जिन पे आपको फेशियल बता रही हूँ मेरी स्टूडेंट है, इनकी ज़्यादा एज नहीं है, बहुत ज़्यादा एज है, तो आप ये वाला स्ट्रोक थोड़ा ज़्यादा दोगे। इस तरह से ईयर के पास प्रेशर करना है, इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होगा आपके क्लाइंट को।
आपको स्टीमिंग देना है साथ ही साथ। नेक्स्ट आपको व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड अगर नज़र आ रहे हैं तो उसको रिमूव करना है। ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड रिमूव करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। स्टीम आप देती जाओगे तो ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड तुरंत निकल जाएंगे। आपको इस तरह से नोज़ के पास अच्छे से ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड को रिमूव करना है। नेक्स्ट आपको नीचे वाले पोर्शन में भी करना है। डन हमारा मसाज क्रीम। नेक्स्ट आते व्हाइटनिंग सीरम हम यूज़ करेंगे। इसको हमें इस तरह से अप्लाई करना है। ये थोड़ा सा थिक होता है, टोनिक से थोड़ा सा थिक है। सेम इसमें हम वही वाले स्टेप को रिपीट करेंगे जो हमने मसाज क्रीम में किए हैं। प्रेशर देंगे हम जैसे कि नोज़ के पास, एपल्स ऑफ द चिक्स पे, फिर आइज़ के सेंटर पे, ईयर के पीछे, जॉ लाइन पे, इस तरह से नेक पे, एंड सेम वही स्टेप को रिपीट करेंगे। इसे कम से कम हमें करना है 7 मिनट के लिए। एंड मसाज क्रीम हमें 15 मिनट के लिए करना था, ये 20 मिनट के लिए करना था। ऑलराइट आप देख सकते हो जितना भी सीरम था सबका सब अब्जॉर्ब हो चुका है एंड फेस पे कितना ज़्यादा ग्लो आया है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते, आपको इसको रिमूव नहीं करना है या वाइप ऑफ नहीं करना है। इसी पे डायरेक्टली हम लगाएंगे मास्क को, जो कि है फेशियल पावर मास्क 2030। एक है पाउडर फॉर्म में, एक है जेल फॉर्म में 2030। दोनों 2030 ही है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा एंड इसको तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा। ये रबर मास्क है सो अगर आप इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दोगे ना, ये पत्थर बन जाएगा, मीन्स ये ना थोड़ा रबड़ की तरह बन जाएगा, तो ये फेस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह से आपको अप्लाई कर देना, थोड़ा सा मोटा अप्लाई करना, आईज़ पे भी आपको अप्लाई करना है, लिप के पास भी अप्लाई करना है एंड सिर्फ और सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए रहने देना है। मैंने क्या बोला, ये रबर मास्क है तो ज़्यादा देर के लिए आपको नहीं रखना है एंड बहुत ज़्यादा ना इसको पतला मत कीजिएगा। अगर पतला करोगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। 10-12 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक ड्राई हो जाता है। बस इस तरह से इसको रिमूव कर देना है, देख सकते हो एकदम अच्छे से रिमूव कीजिएगा, कोई पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए। नेक्स्ट हम इसको भी वाइप ऑफ नहीं करेंगे, इसी के ऊपर हम यूज़ करेंगे अर्बुटिन सीरम। मैं इसका नेम बार बार गलत बोल देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो इसको अप्लाई किया था मैंने एंड हल्का मसाज किया था, वही वाले स्टेप को रिपीट किया था एंड इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मैं ओजोन हाई फ्रिक्वेंसी मशीन। मेरे जो स्टूडेंट है ना, इनको थोड़ा सा पिंपल्स का मार्क्स है एंड पिंपल्स आप देख सकते हो। सो ओजोन हाई फ्रिक्वेंसी मशीन का यूज़ 5 मिनट के लिए किया था। डन, उसको हल्का वाइप ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपको यूज़ करना है अर्बुटिन पावर मास्क। इसमें आपको वाटर ऐड करना है या टोनर ऐड करना है, इसको भी सेम आपको वैसे ही पेस्ट बनाना है। आप रेशियो पूछोगे ज़रूर मुझसे, बट मैं आपको ना वीडियो में नहीं बता पाऊँगी, आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। इस तरह का आपको रेशियो रखना है कि ज़्यादा पतला भी नहीं लगे, ज़्यादा मोटा भी नहीं लगे, बस अच्छे से अप्लाई हो जाए, ऑटोमेटिक ही ड्राई हो जाएगा। गाइज एकदम घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, एकदम नॉर्मल वाटर दीजिएगा, बहुत पतला मत कीजिएगा, बस मैं यही बोलूँगी। इसको भी 10 मिनट के लिए रहने देना है या 12 मिनट के लिए रहने देना एंड फिर से इसको हम रिमूव कर देंगे। ये भी रबर मास्क है तो आप देख सकते हो आराम से रिमूव हो रहा है, कोई भी पेन नहीं करेगा, कुछ भी नहीं एंड रिजल्ट आप देख सकते हो कितना अमेजिंग आया है। इसको अच्छे से क्लीन कर देने के बाद SPF अप्लाई करना है आप लोगों को। इसमें आता है लास्ट स्टेप जो कि होता है वाइटनिंग क्रीम SPF, तो अप्लाई कर देना है। बस इसके बाद क्लाइंट को बोलना है 48 आवर्स तक या 72 आवर्स तक कुछ भी अप्लाई ना करे। मैं तो बोलूँगी 48 आवर्स कम से कम, जैसे सोप फेस वॉश, बाहर जा रहे तो सनस्क्रीन लगा के, तभी उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा एंड जितना वो वाटर ड्रिंक करेंगे ना उनको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड ये फेशियल आप ब्रेलो कब दोगे, 2 दिन पहले दोगे या 3 दिन पहले दोगे, 3 दिन पहले दोगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना है एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड गाइज आप मुझे बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो क्या दिखनी है, क्या नहीं दिखनी है। ब्राइडल सीजन से स्टार्ट हो चुका है तो मुझे पता है आप लोग मेकअप की डिमांड बहुत ज़्यादा करने वाले हो, तो मुझे बताओ कौन कौन सा मेकअप देखना है, कौन कौन सा फेशियल देखना है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।